तो चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहते हैं। कहते हैं कि मून टेक 23.7 डेज, मतलब मून का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 27.3 डेज है भाई, समझ रहे हो, अराउंड द अर्थ इन ए नियर बाई सर्कुलर ऑर्बिट। उस ऑर्बिट की रेडियस है 3.84 × 10^5 किलोमीटर। तो ये बेसिकली इतना टाइम लग जाता है रेडियस है। कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ फ्रॉम दिस डेटा। तो देखो मून चक्कर लगा रहा है अर्थ का, ये सारे अर्थ के लोग जानते हैं, एलियन भी होंगे तो वो जानते ही होंगे, देयर एग्जिस्ट एलियन। तो ये जो है वो अर्थ है, प्यारी सी ये अर्थ है। तो इस अर्थ का चक्कर लगा रहा है मून, तो ये जो है मून, दिस इज द मून, और मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दिस डिस्टेंस इज रेडियस आर। तो मास ऑफ अर्थ एम ले लेता हूँ और रेडियस ऑफ अर्थ आर ले लेता हूँ, समझ रहे हो, नहीं समझ में आया। तो यहाँ से थोड़ा सा जब मैं अर्थ को अगर बड़ा बना लूँ तो आपको ज़्यादा फील आ जाएगा। तो अर्थ यहाँ से थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, अब आपको ज़्यादा अच्छा से फील आ जाएगा यहाँ से। तो ये वाली जो चीज़ है, दैट दैट इज़ रेडियस आर और मास एम, और ये पूरा का पूरा अपना अर्थ है। तो अर्थ का चक्कर लगा रहा और ऐसे रिवॉल्व हो रहा, तो भाई सिंपल सी बात है, ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हमें क्या निकालना है। तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बट यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पे एक अजम्पशन लिया, रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट नियरली इतना, कैलकुलेट द मास, मतलब जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है और अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है, हाँ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना किलोमीटर। तो ये जो ऑर्बिट है, आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है वो है ये 3.8। तो 3.8 ये वाली जो वैल्यू है वो ऑर्बिट की वैल्यू है, ऑर्बिट मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है ये वाली, ये ऑर्बिट होता है सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऑर्बिट है। तो कुछ नहीं है मून पर, देखो मून पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो मून पे जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो किसकी इधर लग रहा है, ये देखो। तो मून पे जो नेट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो अर्थ की साइड लग रहा है, और नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यही सेंटीपिटल फोर्स देगा। तो सेंटीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशन, सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मास ऑफ द मून और रेडियस आर, ठीक है, इस रेडियस को मैं एच बोल देता हूँ, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम एच ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून और ये एच का होल स्क्वायर। तो मास ऑफ मून यहाँ कैंसिल हो रहा है, हमें मास अर्थ की मास चाहिए। तो यहाँ से तुम देखोगे तो जी एच ओमेगा को खोल दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π T का स्क्वायर यहाँ से, तो जी मास ऑफ अर्थ और अपन एच का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से तुम देखोगे तो एच 4π का स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस एच का ये होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो मास ऑफ अर्थ जो वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ अर्थ की वो आ जाएगी 4π स्क्वायर एच की पावर क्यू डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टी का स्क्वायर। तो 4π स्क्वायर एच की पावर क्यू, और ये यहाँ से एक कैपिटल जी भी था तो कैपिटल जी यहाँ आ जाएगा। तो ये बेसिकली यही हमारा मास ऑफ अर्थ है, लेकिन अब हमें पूरी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में चाहिए। तो सर्कुलर मोशन का बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सर्कुलर मोशन का है। तो यहाँ सुन देखो कि मास ऑफ अर्थ की जो कैलकुलेशन करोगे तो 4π की वैल्यू रखो 3.14 का स्क्वायर, और हाइट रखो, रेडियस पहले से ही दिया है 3.84 और × 10^5 किलोमीटर है, तो 10^3 मीटर का स्क्वायर, और डिवाइड कर दिया जाए बच्चों किससे, जी जी इज इक्वल टू 6.67 × 10^-11 और टाइम पीरियड कितना है 27.3 डेज है। तो 3600 इतना से मल्टीप्लाई कर दो और 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आवर फिर मल्टीप्लाई करो इतना स्क्वायर।
तो ये जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मली है नहीं भाई, सब लोग इसको मशीन से ही करते हैं कैलकुलेशन, और कुछ लोग अप्रॉक्सीमेटली करते हैं। तो 6.02 × 10^24 kg ये लगभग आ जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली द फाइनल मास ऑफ अर्थ फ्रॉम दिस डेटा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिकली कुछ है नहीं बच्चों, सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है।